मैं आप मंत्र बोल रहा हूं, मेरे साथ मंत्र बोल। एक बात याद रखो, मैं आपको बार बार बोलूं, तुम्हारे जीवन में चिंताएं हैं तो इस गणपति को पूजा स्थान में स्थापन करते हैं और रोज स्तोत्र बोलते हुए तुम्हारी कोई चिंता है उनको बोल लेते हैं तो आप उस चिंता का उपशमन होगा। हमारे को बहुत सारी चिंताएं ये रहती है कि कल क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बॉस का क्या होगा, मेरी बेटी की शादी हुई तो उसका क्या होगा, दामाद कैसा मिलेगा, बच्चे हुए तो बच्चों का क्या होगा, बीमारी कैसे हुई, नौकरी हुई तो बॉस क्या करेगा, ये सारी चिंताएं अपने रोज की बनी हुई है। मैं तुम्हें इतनी बात कहता हूँ, यह मंत्र, यह इस हिरण्य गणपति की साधना स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परिवार जनों ने की। और मैंने इस बार इससे पहले भी जैसा कहा कि ये राधा देवी जो कृष्ण की प्रेमिका थी, उन्होंने कृष्ण के सिवा किसी को आराधना नहीं की, लेकिन इस हिरण्य गणपति का स्तोत्र उन्होंने निश्चित रूप से किया, केवल इसलिए कि मेरी चिंता मिटा दो कि मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होगा, मेरा कृष्ण कहीं भी जाएगा तो सुखी रहेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होगा। यह राधा देवी की प्रार्थना इसी गणपति की, ऐसी गणपति की साधना मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, वे आने वाले पीढ़ियों तक आपके घर में इस गणपति की आराधना अगर रही तो किसी प्रकार की चिंता या आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। रोज अगर इसकी इस स्तोत्र का केवल एक बार पाठ कर लो, मैं स्तोत्र बांध पहले ही मंत्र को, अगर इस तीन दिन में आप निश्चित रूप से इसकी सौमालाएं पूर्ण करते हैं मेरे सामने, तो जिसने सौमालाएं पूर्ण की वो लोग मेरे पास आओ, उस गणपति को ऐसी प्रतिष्ठा करता हूँ कि आपकी आने वाली पीढ़ी याद रखें। आपके घर में संकट ना है, जो ये तीन दिनों में सौ माला पूर्ण कर लेते हैं उनके बारे में बता रहा हूं। मैं मंत्र बोल रहा हूं, मेरे साथ मंत्र बोलो। बोलो ओम 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 महासिंहासनाय हेरंबाय नमः। ओम 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 महासिंहासनाय हेरंबाय नमः। ओम 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 महासिंहासनाय हेरंबाय नमः। अगर आप अभी आपका नाश्ता बिस्ता चाय काफी नहीं हुआ है तो ले लेकर भी कर सकते हैं चाय काफी नाश्ता करके, लेकिन कम से कम अभी तो बैठ के 21 मालाएं जब पूर्ण कर लो आपकी जरूर सारी चिंताएं मिट जाएगी और इच्छा पूर्ण होगी। आपने अपने सामने गणेश जी को फूल के ऊपर रख देकर आप रक्तेंद्र माला से 21 माला मंत्र जब पूर्ण करो आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होगी और गणेश जी आपकी सारी चिंताओं को मिटा देंगे। ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ। मी मुंदरा गणपति विग्रहा पेटेकोनी कनीसम 21 మాలలైనా ఈ మంత్ర జపాన్ని చేయండి। ఈ మూడు రోజుల్లో 100 మాలల జపం చేస్తే ఆ గణపతిని సిద్ధి చేసేస్తాను। రాధమ్మ వారు స్వయంగా ఈ హిరణ్య గణపతి ఆరాధన చేసినారు। శ్రీకృష్ణ యొక్క కుటుంబంలో గణపతి ఆరాధననే ఉండేది, ఆయన కులదైవంగా గణపతి అని, మరియు అంబాజీ అంటే గుజరాత్లో అంబాజీ ఉంది, కృష్ణ శ్రీకృష్ణ పుట్టి వెంటకలు అక్కడే తీసినారని చెప్తారు। కనుక గణపతి ఆరాధన వాళ్ళ దగ్గరగా కూడా ఉండింది కాబట్టి మీరు రాధాదేవి చేసిన ఆ హేరంబ గణపతి యొక్క సాధన రోజు ఆమె ఒక్కసారి ఆ స్తోత్రం చదివేది, నేను ఈసారి మీరు వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను। ఇప్పుడు మీరు కనీసం 21 మాలలైనా చేసుకొని మీ టీ కాఫీ తాగడం కానీ ముందే ఇంకేమైనా మీరు టిఫిన్ చేసేది అంటే చేసుకొని రావచ్చు। మొదలు 21 మాల గణపతి మంత్రం పూజ చేయండి, 21 మాల గురు మంత్రం చెప్పుకోరు और जो नहीं कर रहे हैं और ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करो। जो साधना नहीं कर रहे हैं आप इस साधना को कम से कम 21 माला पूर्ण जप करो।